नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर, जहां पूरा देश आज दिवाली के त्योहार को मनाने में सराबोर है और इस त्योहार के रंग में अपने आप को रंगा हुआ महसूस कर रहा है। वहीं जिन शिल्पकारों, जिन कलाकारों के भरोसे, जिन कलाकारों के दम पर इन त्योहारों का आनंद इतना बढ़ता है, उन शिल्पकारों, मूर्तिकारों और उन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के जीवन पर आधारित यह विशेष प्रोग्राम आपके बीच लेके आए हैं। और इसके माध्यम से हमारा एक उद्देश्य है कि हम इन कलाकारों के जीवन को कैसे सुदृढ़ बनाएंगे, जहां केवल दीपावली के अवसर पर उनके द्वारा बनाए गए बर्तनों को खरीदकर हम यह मानते हैं कि हम इनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन समय समय पर हमें इनके द्वारा बनाए गए बर्तनों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखना चाहिए और इनके दिवाली को ही नहीं, इनके पूरे साल को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। वर्तमान युग में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं और बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, और हम लोगों का ध्यान जो है इधर से बढ़ता जा रहा है। समाज में हर तबके के, हर वर्ग के लोगों का अपना एक अलग ही काम होता है और समाज में इनका अलग ही महत्व है। दिवाली का त्यौहार आने वाला है और दिवाली में जिस चीज़ की सबसे अधिक ज़रूरत होती है वो है दिए। आज हम बात करेंगे दिए बनाने वाले कुम्हार से और जानेंगे इनकी स्थिति कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, इन्हें किस तरह की सहायता की जरूरत है, ये अपने कामों को किस तरह से कर रहे हैं, क्या इनकी पीढ़ियां इन कामों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, इन परंपराओं को आगे तक ले जाना चाहती हैं, या फिर यह परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। अच्छा, अब ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी तो हम लोग दूर दूर से लाते हैं, 15 किलो 20 किलोमीटर दूरी से लाते हैं। खरीद के लाते हैं या फिर किसी? नहीं, खरीद के नहीं लाते हैं, किसी तालाब से। तो इतना 20 किलोमीटर दूर जाते हैं और फिर कैसे बनाया जाता है इसको? मिट्टी अच्छी मिल जाती है या फिर घर पे इसको लाके चालना वगैरह पड़ता है? इसको चलना पड़ता है या धान कर सारे या कड़ी देखिए बिनना पड़ता है, तो बहुत मेहनत है इसमें, आटा से ज्यादा इसको गुनना पड़ता है तभी बनता है। देख सकते हैं आप कितनी मेहनत है इसको बनाने में, 20-25 किलोमीटर से ये लेकर आते हैं, इसको सानते हैं और इसमें से अकड़ी बोले तो कंकड़ निकाल कर फिर इसको बनाया जाता है। अच्छा, इसमें घर वाले आपकी हेल्प करते हैं या फिर आप अकेले? तो हम तो अकेले भी करते हैं, घर वाली भी करते हैं। आपकी श्रीमती साथ देती हैं? हाँ जी। तो जैसे मिट्टी को बनाने में जैसे मलती हैं, सानती हैं उसको? नहीं मलती है, जैसे बड़े बड़े बर्तन मानी उठा कर थोड़ा जो बनता है बड़ा वाला उसको ठोक ओक देती है, बस यही काम करती है। क्या क्या बनाते हैं आप? हम सारी बर्तन बनाते हैं। कौन कौन से बर्तन? घड़ीला भी बना देते हैं, हाड़ी भी बना देते हैं, जो कहिए हम बनाकर दिखा देंगे किसी सामने। अच्छा, जैसे मिट्टी के बर्तनों की खुशबू ही अलग होती है, पहले जैसे मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था? हाँ, और लोग खरीदते भी थे पुरानिया के जमाने में जी। आजकल तो घर का स्टील और सिल्वर हो गया है। तो अब कोई लेता है या नहीं खाना वाना बनाने के? नहीं नहीं, कोई नहीं लेता है। तो फिर आप बनाते हैं तो क्या होता है? बनाते हैं तो मन ही पूजा पाठ में जाता है और क्या, और मटका है तो शादी ब्याह में जाता है कलशा के लिए बस। क्या नाम है आपका? रोहित प्रजापति। कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं? लगभग 20 साल। और मिट्टी का बर्तन भी बनाते हैं, दोनों काम करते हैं जी। अच्छा, मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप? मिट्टी तो बहुत दूर से लाते हैं, कम से कम 15 किलोमीटर दूरी से, सिसवा के पश्चिम से। तो मिट्टी खरीद के लाते हैं या मिल जाता है यूं ही? मिलता तो नहीं है, इसे नदी तालाब के किनारे किसी खेत के बगल में रहता है जैसे पोखरा उखरा, तो वहाँ से लगभग हम लोग छुपे तौर से लाते हैं कि अगला देखे मत, नहीं तो बोलेगा कि हमारे खेत के बगल से मिट्टी जा रही है, हमारा खेत खराब होगा। और कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं? ये मूर्ति वाला? मूर्ति वाला लगभग 20 साल से, और 20 साल से हम मिट्टी का बर्तन भी बनाते हैं। इससे पहले जो आपके पिताजी रहे होंगे, दादाजी रहेंगे, वो नहीं करते थे, वो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे। केवल बर्तन बनाते थे दिवाली पे? दिवाली और हर एक शुभ अवसर पर जी, जैसे दीपावली हुआ, खिचड़ी हुआ, रामनवमी हुआ, ऐसे लोग बनाते थे। अच्छा, जो आपकी पीढ़ियां हैं, आपके बच्चे, आपके जो नाती, वो लोग इन कामों में आना चाहते हैं या नहीं? तो वो लोग जानेंगे, हम कैसे बताएं? नहीं, फिर भी एक रहता है, इच्छा रहती है कि नहीं आप? इच्छा तो देखिए, इच्छा तो बहुत ऊंचे पद पर जाना लोग चाहते हैं कि हम चले जाएं, लेकिन भविष्य में जो लिखा रहता वही होता है जी। हाँ। तो जैसे आपको नहीं लगता कि हाँ मेरे बच्चे ये काम करना चाहते हैं? अभी तो पढ़ रहा है, तो हम कैसे कहते हैं, अभी तो 10वीं क्लास का वो छात्र है, वो पढ़ रहा है, कैसे हम कहें कि तुम मिट्टी का बर्तन? अपनी मर्जी से आपके पास बैठते हैं या नहीं? वो बैठने का तो हर एक बच्चे का होता है कि अपने बाप माँ के पास बैठे, कुछ
कहे सुने, लेकिन इसके विषय में अभी सोचता नहीं है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चक्की मिली है बहुत से कुम्हारों को, आपको मिला है? हम भी उसमें जो है कागज लगाए थे जी। उसमें जो है कि हमारे नाम से उम्र के हिसाब से कि जिसका उम्र 50 से टप गया है उसको नहीं मिलेगा, तो हमने रुक लिया। बच्चे के नाम से कैसे ले, बच्चा जब वो काम अभी करता नहीं है करने वाला है तो उसका नाम हम कैसे दर्शा दें उसमें। चैनल के माध्यम से आप लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इन कलाकारों की कलाओं का आप लोग सम्मान करें और अधिक से अधिक मिट्टी के बर्तन खरीदें, जिससे कि इनकी भी दिवाली अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक निकल सके। आजकल हम लोग देखते हैं YouTube पर, Facebook पर ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं, हमको देखने से ऐसा लगता है कि हमें इनकी मदद करना चाहिए और उसे शेयर करके हमको ये लगता है कि हमने इनकी मदद की, जबकि ऐसा नहीं है। मदद इनकी तब होगी जब हम इनके बर्तनों को खरीदेंगे और इन्हें भी सम्मान पूर्वक दिवाली मनाने का मौका देंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि ये लोग तय नहीं कर पाते हैं कि हमें कितने बर्तन बनाना है, कितने बर्तन बनना चाहिए, इसलिए हम लोग हर एक काम के लिए जैसे एडवांस देते हैं और सट्टा बुक कराते हैं, ठीक उसी तरह से इनसे भी सट्टा बुक कराना चाहिए और एडवांस देना चाहिए, ताकि ये लोग तय कर सके कि हमें कितने दिए बनाने हैं और किस तरह से कितने दिए बनाने हैं और इन्हें भी सम्मान पूर्वक दिवाली बनाने का मौका मिले और ये लोग ये तय कर सके कि हाँ हमें इतने दिए बनाने हैं और ये लोग अपनी दिवाली को जो है अच्छे से मनाने का फैसला कर सके और सम्मान पूर्वक दिवाली ये भी मना सके।